एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशन में तहलका मचा दिया है और इस बार चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र तीनों को लपेट दिया है। आज यूएन के पास 37,000 कर्मचारी हैं और $3 बिलियन से ज्यादा का बजट है। फिर युद्ध क्यों नहीं रोक पाता यूनाइटेड नेशन? दुनिया में आतंकवाद लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर ये सारे पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? इसराइल और ईरान के बीच जो जंग की शुरुआत हुई वो इतिहास का 7वां मौका है जब यूनाइटेड नेशन जंग रोकने में विफल रहा। यूएन 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग रोक नहीं पाया था। दोनों देशों के बीच अब तक जंग चल रही है। यूएन की विफलता की वजह से दुनिया भर में अब तक 40 लाख लोग जंग में मारे जा चुके हैं। यूएन सुरक्षा काउंसिल में काम करने वाले अधिकारियों की औसतन सैलरी $98,000 प्रति वर्ष है। इसे रुपए में देखा जाए तो यह 7 लाख रुपए प्रति माह है। युद्ध ना रोक पाने की सबसे बड़ी वजह यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े 193 देश हैं, लेकिन दबदबा सिर्फ 5 देशों का, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन का ही है। युद्ध के साथ साथ आतंकवाद रोकने में भी यूनाइटेड नेशन बुरी तरह फेल साबित हुआ, जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देश उठा रहे हैं। रूस ने जब ऐलान किया कि भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए तो चीन का पारा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। यदि भारत को भी वीटो पावर मिल जाता तो चीन की यह ताकत कमजोर हो जाएगी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका और मजबूत हो जाएगी। इससे चीन के प्रभाव में कमी आएगी और भारत को वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और दबाव बनाने की शक्ति मिल जाएगी, जिससे चीन के क्षेत्रीय और राजनीतिक हितों पर सीधा असर पड़ेगा। अब सोचिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस का गठजोड़ हमेशा से मजबूत रहा है और अब रूस ने भारत को वीटो पावर देने का ऐलान करके चीन और पाकिस्तान दोनों को जोर का झटका दे दिया है। ये सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि एक खुली चुनौती है उन ताकतों के खिलाफ जो भारत की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की जो धुनाई की वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद का गढ़ है अब दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान और चीन को नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र को भी सबक सिखाने वाला है। यूनाइटेड नेशन, जिसने अब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसका सत्यानाश होना तय है और इसराइल ने इसकी शुरुआत कर दी है। आज की वीडियो में 3 जबरदस्त बवाल डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिए। ये चीन का असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त है। सोचो, चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं, जो यूनाइटेड नेशन में अपने वीटो पावर से इन आतंकी संगठनों को बचाते हैं, और जब भारत के हजारों लोग इन आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं, चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो, 2016 का पठानकोट हमला हो या 2019 का पुलवामा हमला, तब भी दुनिया और यूएन चुप बैठी रहती है। और आज जब भारत अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ रहा है तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश बौखलाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान को तो अब ये समझ लेना चाहिए कि उनका आतंकवाद के प्रति रवैया और वीटो का गलत इस्तेमाल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। भारत ने साफ साफ बता दिया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से खुलेआम काम कर रहे हैं और चीन उन्हें बचाता है। ये कब तक चलेगा? आखिर चीन को परमानेंट सीट और वीटो पावर क्यों दिया गया है? हाल ही में इसराइल ने जो काम यूनाइटेड नेशन के साथ किया, भारत को भी उससे सबक सीखना चाहिए। अब देखो इसराइल को, उसने तो यूएन प्रमुख गुटरेस को ही बैन कर दिया, बोला कि अगर ये कहीं दिखे तो इसे जेल में डालो। यानी कि इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के सबसे पावरफुल व्यक्ति पर ही बैन लगा दिया। सवाल ये उठता है कि इस तरह का काम भारत क्यों नहीं कर रहा? अक्सर यूनाइटेड नेशन दूसरे देशों पर बैन लगाता है, लेकिन यहाँ इसराइल ने ही यूनाइटेड नेशन की हैकड़ी निकाल दी और सिक्योरिटी काउंसिल की यह हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ एक भी एक्शन ले ले, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का बाप अमेरिका भी इसराइल से डरता है। मतलब इसराइल ने साफ कह दिया कि यूनाइटेड नेशन अगर आतंकवादियों पर सख्त एक्शन नहीं लेता तो उन्हें भी जवाब मिलेगा। क्या भारत को भी अब इसराइल की तरह ये कदम नहीं उठाना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं। आखिर कब तक हम यूएन जैसे संस्थान की नाकामी सहते रहेंगे? सच तो ये है कि यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थान को खत्म करने की जरूरत है और एक ऐसा नया संस्थान बनाने की जरूरत है जहां सबकी बात सुनी जाए, आतंकवाद का खात्मा हो और दुनिया को युद्ध से बचाया जा सके। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं?
उधर कश्मीर को लेकर इसराइल ने हाल ही में एक भयानक गलती कर दी। इसके बाद भारत के लोग पागल हो गए हैं और बवाल शुरू हो गया। इसराइल जो हमेशा से कश्मीर पर भारत के साथ खड़ा रहा, जिसने कारगिल युद्ध में हमें घातक बम दिए जिससे पाकिस्तान की सेना का सफाया हुआ, जिसने हमें मिसाइलें और किलर ड्रोन दिए, उसी इसराइल पर हमारे देश के कुछ लोग गुस्से में हैं। एक छोटी सी वेबसाइट की गलती और लोग गुस्से में उबल पड़े। चलो गलती मान ली कि इसराइल की सरकारी वेबसाइट पर एक नक्शे में पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया, लेकिन इसराइल ने तुरंत इस गलती को सुधारते हुए ना सिर्फ वो नक्शा हटा दिया बल्कि उनके राजदूत रेवेन अजार ने खुद ट्विटर पर आकर माफी भी मांगी और सफाई दी। अब बताओ इससे बड़ी और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये एक छोटी सी एडिटोरियल गलती थी, ना कि इसराइल की नीति का बदलाव। इसराइल ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध किया है। उन्होंने खुलकर कहा कि वो कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। अब अगर इसराइल जैसे भरोसेमंद दोस्त से इतनी छोटी सी गलती हो गई तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके सालों की दोस्ती और समर्थन को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। जब दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर चुप बैठी थी, इसराइल ने हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और अब भी इसराइल से हम बड़े पैमाने पर हथियार और तकनीक खरीद रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी गहरी दोस्ती और समर्थन के बावजूद कुछ लोग इसराइल पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि गलती को सुधारने के लिए इसराइल ने जो तत्परता दिखाई वो दिखाता है कि वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को कितनी अहमियत देता है। इसके बाद अमेरिका में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारी बवाल शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में कहा कि भारत ने पाकिस्तान से व्यापार बंद नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने खुद व्यापार बंद किया है। अब ये सुनकर हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर हमने अब तक पाकिस्तान से व्यापार क्यों नहीं रोका? इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जब पाकिस्तान बार बार हमारी सीमाओं पर छेड़खानी करता है, आतंकवाद फैलाता है और हमारे लोगों को निशाना बनाता है, तो हम व्यापार के मोर्चे पर चुप क्यों बैठे रहे? तो देखो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो ठीक है, वो एक तरह से पाकिस्तान को जवाब देने का तरीका था, पर क्या सिर्फ सीमा पर जवाब देना काफी है? जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करता है तो व्यापार को बंद करना क्या एक जरूरी कदम नहीं होना चाहिए? आखिर वो हमसे आर्थिक फायदा उठाकर फिर उसी पैसे से हमारे खिलाफ साजिश रचता है। फैक्ट तो यह है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगाने से उसको बड़ा झटका लग सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% तक का टैरिफ लगा दिया था और उसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पर फिर भी सवाल उठता है कि हम पूरी तरह से व्यापार बंद क्यों नहीं कर रहे? जब पाकिस्तान खुद को व्यापार से दूर कर रहा है तो हमें भी उसके साथ सभी संबंधों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।